फिटिंग वाली पैंट की कटिंग करेंगे दोस्तों। तो इसकी लंबाई है वो 38 इंची है और दोस्तों इसकी कमर है वो 26 इंची है और हिप है 32 इंची है दोस्तों और मोरी है 12.5 इंची है। इस नाप से आपको मैं फिटिंग वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें एल स्केल से सबसे पहले तो इस तरीके से मार्का लेना है और मार्का करने के बाद में दोस्तों इसकी हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो 1 इंची तो हमें इंची टेप को निकाल लेना है इस तरीके से निकाल लेना है और हमारी लेंथ है वो 38 इंची है। इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से और सीधा करने के बाद में दोस्तों हम इसकी हिप रखेंगे। हिप हम यानी कि लटक रखेंगे तो लटक दोस्तों हम हिप के अनुसार रखेंगे। तो इसकी हिप हैं वो 32 इंची हैं तो यहाँ पर हम 8 इंची का निशान लगा देंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम शेप लगाएंगे इस तरीके से, लगभग 1.25 इंची शेप लगाएंगे और इसके बाद में दोस्तों हमारी हिप है वो 32 इंची है तो यहाँ पर हमारा 0.5 इंची सिलाई का दबाव जाएगा और हिप है इसकी 32 तो 8 × 8 = 32 और लगभग यहाँ पर दबाव के लिए सिलाई इस तरीके से और दोस्तों इनको सीधा कर देना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें लगभग 1.5 इंची का आगे इस तरीके से निशान लगा लेना है और यहाँ से इसकी गोड़ाई लगानी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों ऊपर से हम लगभग 0.5 इंची डाउन करेंगे इसको और इसकी शेप लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कमर है वो 26 इंची है तो 26 का हम 1/4 करेंगे तो लगभग 6.5 इंची आएगा इस तरीके से। और एक इंची हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा ज़्यादा बैठ रहा है तो हमें लगभग यहाँ से 0.5 इंची अंदर की साइड में देना होगा इस तरीके से और यहाँ से इसको सीधा कर देना होगा इस तरीके से। और दोस्तों नाप लेंगे हम यहाँ से रखेंगे हमारा सिलाई मार्जिन और कमर का चौथा हिस्सा तो 6.5 इंची इस तरीके से और ये हमारी सिलाई आ जाएगी दोस्तों इस तरीके से। और इसका बीच का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से, ये 10.5 इंची आ रहा है इसका आधा कर लेना है इस तरीके से। ये लगभग 5.25 इंची आ रहा है नीचे, हमें 5.25 इंची पर इस तरीके से बीच का निशान लगा लेना है। और दोस्तों इसकी मोरी 12.5 इंची है तो 12.5 का आधा करेंगे तो यानी कि यहाँ पर रखेंगे हम यानी कि 3 इंची और 1 सूट रखेंगे और 3 इंची और 1 सूट यहाँ रखेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें मिला लेना है इस तरीके से मिला लेना है और दूसरी साइड भी इस तरीके से मिला लेना है। और दोस्तों इसमें हम क्रॉस जेब लगाएंगे तो क्रॉस जेब के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरीके से और लंबाई रखेंगे दोस्तों हम 7 इंची की इस तरीके से और हमारी ये निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से हमें हल्का हल्का बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है और आगे से भी दोस्तों हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है
दोस्तों यहाँ पर हमारी चेन लगेगी तो 2 इंच ऊपर निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी कट लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों अब मैं आपको बैक पार्ट काटना बता देता हूँ कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों बैक पार्ट काटने के लिए हमें इस तरीके से पलट लेना है और पलटने के बाद में दोस्तों हमें इस फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बिछा लेना है इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ये कपड़ा नहीं निकल रहा है तो हम नीचे से इस तरीके से इसको निकाल देंगे। यहाँ पर हम नीचे से जुड़ाई कर देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें बैक को लगभग 1.5 इंच ऊपर उठाना है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर उठाना है दोस्तों इस तरीके से। और एक सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से। और यहाँ से दोस्तों हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। और एक निशान हम यहाँ लगा देंगे और एक निशान हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हम 2.25 इंच रखेंगे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे 1.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर लगभग 2.25 इंच रखेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें मिला लेना है इस तरीके से। इस तरीके से मिला लेना है। और दोस्तों इसकी कमर है वो 26 इंची है, तो 26 का हम 1/4 करेंगे तो 6.5 इंची आएगा। 1.5 इंची एक्स्ट्रा चाहिए दोस्तों, और 2 इंची एक्स्ट्रा और चाहिए। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए कि 0.5 इंची सिलाई की और पीछे पॉकेट की डॉट के लिए 1 इंची इस तरीके से। और दोस्तों इसकी हिप है वो 32 इंची है, तो 32 का हम 1/4 करेंगे तो 8 इंची आएगा इस तरीके से। और 1 इंची लूजिंग रख लेनी है यहाँ पर, 0.5 इंची सिलाई की और 0.5 इंची लूजिंग के लिए दोस्तों। और दोस्तों इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें गोड़ाई लगा देनी है इस तरीके से। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसकी दोस्तों मैं कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों आपके सुझाव हों तो दोस्तों आप कमेंट में कर देना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। एक कट लगा लेना है यहाँ से इस तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।